आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई है, क्यों ना स्वीटी को सरप्राइज दे दूं? इस बहाने थोड़ा रोमांटिक मूड भी बन जाएगा। जमाना आ गया, इस घर के मालिक कोई चोर बोल के पीटने लग गई हो। बीबी आप कब आए और ऐसे अपने घर में चोरों की तरह कौन आता है? अरे मैंने तो सोचा था तुम्हें सरप्राइज करूं, लेकिन मुझे तो खुद ही शौक मिल गया। सॉरी बेबी, आटा गिरने की वजह से मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, चलो किचन की सफाई करवा देता हूँ आपके साथ। आ गए ऑफिस से? नहीं, रास्ते में हूँ। क्या बेबी, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने आके तुम्हें इतना प्यारा सरप्राइज दिया और तुमने ये क्या कर दिया? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, हमेशा मैं ही रहता हूँ रोमांटिक मूड में। अरे शादी को 1.5 साल हो गया है, आज तक मैंने एक भी दिन तुम्हें रोमांटिक मूड में नहीं देखा है। कभी मेरे पाँव में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी मैं थक गई हूँ। अरे कब देखूंगा मैं तुम्हें रोमांटिक मूड में? कहीं तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं आ गया है? चुप हो जाओ, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जाओ जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ और ये आटा साफ कर लेना अपने फेस से। मैं बेडरूम में ही खाना लगा देती हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे बेबी आप सैड मत हो, आप बेडरूम में तो आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। वाह बेटे पंकज, आज तो तेरी निकल पड़ी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा सरप्राइज, तब तो मैं यूं गया और यूं आया। वाह पंकज, फाइनली 1.5 साल बाद तेरी किस्मत खुलने वाली है। तो ये था सरप्राइज। बेबी क्या बात है, इतना रोमांटिक मूड वो भी अचानक से, और इतनी रोमांटिक लाइटनिंग, क्या बात है। अरे बेबी तुम्हारे चेहरे पे इतने बाल, मैं तो बहुत पैसे देता हूँ तुम्हें वैक्स कराने के लिए। बेबी ये लो आपका डिनर। पंकज जी क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छी, कैसे से हो तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। दीदी देखो ना कैसे मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, लगता है बाहर भी ऐसे पराई लड़कियों पे लिपटते होंगे। और वैसे जीजा जी, आपकी वो कॉलेज वाली क्रश नेहा का उस दिन मैसेज आया था ना, देखा था मैंने उस दिन आपको, आप बड़ा स्माइल कर करके उससे बात कर रहे थे। हाँ पंकज, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लंबी उम्र के लिए व्रत और उपवास रख रही थी और तुम बाहर जाकर मुंह मारते फिर रहे हो। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसलिए तुम्हें रात रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी लगी रहती है, रात भर तुम चैटिंग करते रहते हो ना उस कॉलेज वाली के साथ। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दीदी मैं तो कहता हूँ आप इनको डिवोर्स दे दो, इस बार इनके लिए जो भी व्रत रखना ना उसके बीच बीच में आप पानी पी लेना, तब अकल आएगी इनको। नहीं तो एक काम करो दीदी, आप अपना सामान पैक करो, आप मेरे साथ चलो। अरे बस बस करो तुम दोनों, क्या हवा में तीर चलाए जा रहे हो हैं? और साले तू यहाँ क्या कर रहा है, जब देखो तू अपनी दीदी का घर उजाड़ने में लगा रहता है। यहाँ क्या कर रहा है मतलब, मैं अपनी दीदी से मिलने भी नहीं आ सकता। दीदी देखो ना जीजू मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं आ सकता मेरा भाई इस घर में, मैं भी देखती हूँ ये आदमी तुमको इस घर में आने से कैसे रोकता है। अगर मेरा भाई नहीं आ सकता ना इस घर में, तो मैं भी नहीं आ रुकूंगी। चल भाई। अरे एक मिनट सुन तो लो बेबी, क्या तुम दोनों भाई बहन एक मिनट पे मिसाइल की तरह चल देते हो। अरे यहाँ क्या कर रहा है, इसे मतलब था मेरे रूम में क्या कर रहा है, तुझे यहाँ आने से कोई रोक सकता है क्या? किसी ने आज तक तुझे यहाँ आने से रोका है? यहाँ तक कि अब तो गेस्ट रूम को भी हम तेरा ही रूम बोलने लगे हैं। वो तो इसके रूम का एसी नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इस रूम में जाके सो जाए, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारी तो नीयत ही इतनी खराब निकलेगी। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बेबी मुझे लगा कि आप हो, आपने तो बोला था फ्रेश होके बेडरूम में आओ, एक सरप्राइज है, मुझे लगा कि। अरे सरप्राइज तो यही था ना कि मेरा भाई आया हुआ है। ये सरप्राइज है? अरे ये सरप्राइज नहीं, बर्डन है, बर्डन, बोझ। दीदी देख लो ना जीजू क्या बोल रहे हैं। आप इसे बोझ क्यों बोल रहे हो,
अपने बाप का खाता है, आपका थोड़ी ना खाता है। आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा साला है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये साल के 365 में से 360 दिन यहाँ टूटता है और 5 दिन हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि ज्यादा खाने से इसको गैस बन जाती है। और तुम कह रही हो कि बाप का खाता है। अरे बाप का तो तब खाएगा जब ही अपने घर जाएगा, पूरे टाइम तो यहीं पड़ा रहता है। अरे तुम्हारे पापा को इसे पैदा करने से अच्छा है गेहूं की बोरी ले लेनी चाहिए थी। कम से कम उसे पिसवा के एक साल आटा तो खाते। और ये है कि एक दिन में पूरी आटे की बोरी खत्म कर जाता है। अरे जितना ये यहाँ खाता है ना, उतने पैसों से तो मैं 4-5 घर और 4-5 लग्जरी कार ले सकता हूँ। अरे सोशल मीडिया पे इसका खाना कम कराने के पिटीशन साइन होने शुरू हो गए हैं। और ये है कि एक बार शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता है। अरे इतनी मुश्किल से इसके लिए एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता ढूंढा था कि ये घर जमाई बन के वहां रहे और उनके पैसों का ठूसे। लेकिन ये पहले ही दिन उस लड़की को डेट पे ले गया और उसके बाद वापस आते टाइम कार में इतना जहरीला पाद मारा, वो लड़की आज तक कोमा में है। अरे इसके जैसा साला होने से अच्छा है कि आदमी शादी ही ना करे। अरे हमारे मोहल्ले के सारे लोग अपना घर बेच के चले गए हैं क्योंकि इतना जहरीला पाद था उनके नाके बाल तक जल गए हैं। अरे 11 मुल्कों के साइंटिस्ट इसको ढूंढ रहे हैं ताकि इसकी पादने की पावर से बायोगैस प्लांट लगा सके, लेकिन वो बेचारे भी इसका खाना पीना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। जब देखो टॉयलेट खाना खाना टॉयलेट खाना। अरे इतना टॉयलेट जाता है कि शहर के सारे सीवेज सिस्टम इसने चोक कर दिए हैं। कुछ ही दिनों में म्युनिसिपैलिटी वाले हमसे 40 टैक्स चार्ज करना शुरू कर देंगे। और प्रॉब्लम ये है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये साला खुद एक प्रॉब्लम है। अरे लोगों की लाइफ में सुंदर सुंदर सालियां होती हैं और लोग साली को आधी घरवाली बोलते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ये साला है जो मेरी बीवी से ज्यादा मेरे घर में पड़ा रहता है। और आज तो ये मेरे बेडरूम में घुस गया। अपना पॉटी टैक्स मैं खुद से दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जीजा जी। बस आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीदी मैं ना बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ही भूख लगती है। प्लीज कुछ खाने के लिए लगा दो। आजा मैं बाहर खाने के लिए लगा देती तेरे लिए। बस बहुत हो गया इस मोटे का, इस बार कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी इससे पीछा छूटेगा। आइडिया बहुत हो गया इस मोटे का, अब इसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो गुड्डू कालिया भैया। नाम है मेरा गुड्डू कालिया और नाश्ते में मैं रोज खाता हूँ दलिया। भाई एक सुपारी देनी थी। किसका मर्डर करना है? नहीं मर्डर नहीं, सुनो प्लान सुनो पहले। नाम है मेरा गुड्डू कालिया, नाश्ते में मैं रोज खाता हूँ दलिया, काम हो जाएगा। अब बेटा मोटे तू तो गया। जीजा जी। अरे क्या हुआ साले, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे जीजा जी बहुत खतरनाक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं अपने जीजा का घर और ये शहर छोड़ के चला जा, और बहुत सारे पैसे भी मांग रहे हैं। पैसों की तो बात ही नहीं थी, गुड्डू ने तो कहा था इसे डरा धमका के भगा देंगे सिर्फ। क्या मेरा मतलब है कितने पैसे मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो लोग? जीजा जी वो लोग मेरे से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शहर छोड़ के चला जा। मैं ये शहर तो छोड़ के चला जाऊं, मगर ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। साले साहब तुम टेंशन मत लो, तुम सीधा घर चलो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और फिर सीधा गुड्डू के अड्डे पे मिलते हैं। ठीक है जीजा जी, मैं आपको उसका एड्रेस और लोकेशन अभी फोन पे भेजता हूँ। ठीक है। अरे साले साहब आ गया तू, और पैकिंग वैकिंग करके नहीं लाया, सामान कहाँ दे रहा? अरे जीजा जी सारा सामान लेकर आया हूँ, बस पीछे छुपा के रखा है, कहीं ये सारा सामान गुंडे ना छीन ले। ठीक है ये ले, मैंने तेरी ट्रेन की टिकट भी बुक करा दी, सारा इंतजाम करा दिया है। अरे जीजा जी मगर कन्याकुमारी की टिकट क्यों?
कन्याकुमारी, पता नहीं, मैंने तो उसको ये बोला था कि यहाँ से जो सबसे दूर स्टेशन हो उसकी टिकट दे दो, उसने कन्याकुमारी की दे दी। अरे जीजा जी, यहाँ टेंशन से मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। ये बताओ पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पैसों का इंतजाम इस बैग में है, टेंशन मत ले। चल अब जल्दी से गुड्डू भैया को पैसे देके तेरी जान बचा देता हूँ, फिर उसके बाद तुझे रेलवे स्टेशन तक मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप टेंशन मत लो, मैं खुद चले जाऊंगा, आपको अपने गम में जाते हुए रोता हुआ नहीं देख सकता। अरे ये खुशी के आंसू है पगले। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, चल लेट हो रहा है, पैसे देके फटाफट तेरी जान बचाऊं। आ गए तुम? हाँ आ गए। नाम है मेरा गुड्डू कालिया, नाश्ते में खाता हूँ मैं रोज दलिया। ए, पैसा लाए? हाँ लाए ना, ये रहा पैसा। हाँ पैसा ले लो और मेरे साले को जाने दो। ए, अरे साले साहब आप डरो मत, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब तो बिल्कुल सेफ है। पैसे दे दिए मतलब अब मैं आजाद हूं। ए, ये ले। अरे गुड्डू भैया अभी क्या कर रहे हो, ये पैसे इसे क्यों दे रहे हो? नाम है मेरा गुड्डू कालिया, लेकिन अब मैं नाश्ते में खाता हूँ कॉर्नफ्लेक्स। अरे लेकिन आप तो दलिया खाते थे ना? तो अब तक मेरे पास 5 लाख भी तो नहीं थे। इसका मतलब? हाँ जीजा जी, मुझे आपके प्लान के बारे में पहले से ही पता था, मैंने आपकी और गुड्डू भैया की सारी बातें सुन ली थी कि आपने इन्हें 10,000 रुपए की सुपारी देकर मुझे शहर से बाहर भगाने की प्लानिंग कर ली है। मैंने सोचा क्यों ना उल्टा कर दिया जाए, मैंने आपसे 10 लाख रुपए मंगवा लिए और अब हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। साले तूने मेरा फिर पागल बना दिया, 10 लाख रुपए लूट लिए मुझसे, 9 लाख इन्होंने, 1 लाख तूने, मेरी जिंदगी भर की कमाई। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? ना पहला ना दूजा ना तीजा, नाम है मेरा बल्लू और खाता हूँ मैं डिनर में पिज़्ज़ा। अरे बॉस आप यहाँ? ये बैग और ये पैसे जल्दी से इसे लेकर मुझे हैंडओवर करो और इस साले को शहर के बाहर फेंक के आओ। लेकिन बॉस, जितना बोला उतना कर। अरे बॉस जी, आप ये पैसे जीजू को क्यों वापस दे रहे हो? अरे साले साहब, मुझे पता चल गया था कि तुझे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है, और मुझे ये भी पता चल गया था कि तेरा प्लान क्या है, इसलिए मैंने गुड्डू भैया के बॉस को हायर कर लिया और उल्टा तुझे ही फंसा दिया। अरे ससुर जी, आप? पापा आप? गॉडफादर? गॉडफादर? हाँ पापा, मुझे आप लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने पापा को बुला लिया। पंकज, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई?
तुमने मेरे भाई को शहर से बाहर भगाने के लिए सुपारी दी और भाई तूने अपने ही जीजा से पैसे लूट लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन गॉडफादर? अरे यही तो है अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन और हमारे गॉडफादर। अब एक महीने के लिए तुम दोनों घर के अंदर मत घुस जाना, दोनों जीजा साले इंतजाम करो अपना। चलो पापा। साले तेरी वजह से ये सब हुआ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिल्कुल फ्री है, रेड वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, तब तक ये सारा खाना ये फिनिश करेगा। तुम चैनल सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, लव यू, बाय।